आइसलैंड का ब्लू लेगून स्पा सैलानियों की खास पसंद। हर साल यहाँ 60,000 से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन अनर वाल्डिस क्रिस्टियान डॉटर यहाँ क्या कर रही हैं? वो आइसलैंड की हैं और उनके देश के ज्यादा लोग यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि ये छोटा सा द्वीप कई और प्राकृतिक कुंडों से भरा है जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती। इन शानदार कुंडों से परिचय कराने के लिए 41 साल की अनर बिल्कुल सही गाइड हैं। रोजाना किसी कुंड में डुबकी लगाना उनके लिए जैसे जरूरी है, और इस जगह की परंपरा भी ऐसी ही है। जैसे कई देशों में लोग बार या सिनेमा घर जाते हैं या किसी और जगह पर, मैं कहूंगी कि यहाँ स्विमिंग पूल जाते हैं जहाँ वे एक दूसरे से मिलते हैं। पहला स्टॉप राजधानी रेक्यविक। एयरपोर्ट से सटा है सिटी बीच। यहाँ के स्पा में पानी 38 डिग्री तक गर्म है, और फिर कूल ऑफ होने का वक्त। सीधे अटलांटिक सागर में तापमान 11 डिग्री के आसपास। हर साल करीब 3 लाख लोग सिटी बीच पर पहुंचते हैं, लेकिन सर्दियों में अटलांटिक में डुबकी लगाने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग हमेशा ऐसा करते हैं वे बीमार नहीं पड़ते। यह आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और आपकी त्वचा के लिए भी। अब सफर आगे बढ़ रहा है। राजधानी रेक्यविक से 2 घंटे की ड्राइव के बाद रूनालॉक गर्म कुंड पहुंचा जा सकता है। यहाँ बस एक छोटी सी झोपड़ी है जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई गर्म कुंड भी है। दो पूल में करीब 15 लोगों के लिए जगह है। पानी खूब गर्म है, 35 डिग्री। Very nice. यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर अगर बाहर सर्दी हो तब आप डुबकी लगाते हैं। शुरू में लगता है ये बहुत गर्म है, लेकिन बहुत जल्दी आप इसके आदि हो जाते हैं और फिर बहुत आराम होता है। चालीस मिनट बाद अनर हमें खाने की जगह ले आती हैं, शहर हेरेगेडे में। यहाँ क्या खास है? इस रेस्तरां के कुक पूरा खाना जियोथर्मल स्टीम पर पकाते हैं। पहले तो ब्रेड भी यहीं बेक की जाती थी। खाना सर्व होता है सीधा फ्राइंग पैन में। स्वाद खाने से आता है। जब आप पानी से खाना पकाते हैं तो काफी स्वाद पानी में घुल जाता है, और जब आप ओवन में पकाते हैं तो स्वाद हवा में उड़ जाता है, लेकिन इस तरह का स्वाद बना रहता है। दोपहर बाद हम सेल्या फाटला योग कुंड पहुंचते हैं। ये गर्म कुंड ज्वालामुखी आया फयाटला योग कुल्ट से ज्यादा दूर नहीं है। गर्म पानी तक पहुँचने से पहले एक ग्लेशियर से होकर गुजरना पड़ता है। 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद अनर आखिरकार पानी में उतर सकती हैं। ये स्पा 1923 में बनाया गया था और आइसलैंड के सबसे खूबसूरत कुंडों में एक है। अनर ने यहाँ स्विमिंग के लिए अपना खास किट तैयार किया है। टोपी पहनने और पैर में बैंड लगाने के बाद तैरने के लिए कोई मशक्कत ही नहीं करनी पड़ती। तो आप गर्म कुंड में अपने तकिए के साथ आएं, चाहे तो झपकी भी ले लें। भले ही आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आराम का बेहतरीन एहसास होगा। शाम में सफर वही पूरा होता है जहां सुबह शुरू हुआ था, ब्लू लेगून के पास। पानी का रंग शैवाल और सिलिका वाली चिकनी मिट्टी की वजह से नीला है। कहते हैं कि ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, और यही इसे आइसलैंड के दूसरे कुंडों से अलग करता है। It feels very good. ये बहुत अच्छा लगता है, गुनगुना है, बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दूध में नहा रहे। अनर लंबा वक्त इस ब्लू लेगून में बिताना चाहती हैं। यहाँ के ज्यादातर कुंड भले ही मुफ्त हों, लेकिन ब्लू लेगून की फीस 40 यूरो यानी करीब 3,500 रुपए है।